Hello everyone, myself B.C. Sahu. Welcome to my channel. हम आज मिलांज प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और मिलांज प्रोसेस जो होता है वो कटन मिलांज होता है, पीसी मिलांज होता है, पॉलिस्टर मिलांज है. हम आज बात करते हैं कटन और पीसी मिलांज के बारे में. और ये मिलांज प्रोसेस जो होता है थोड़ा टिपिकल है, इसे बहुत सारी चीज़ इस पर नज़र देना पड़ता है और ग्रे प्रोसेस से बिल्कुल अलग है. ठीक है, अपना अभी स्टार्ट करते हैं मिलांज प्रोसेस के बारे में. देखिए, सबसे पहले मिलांज में जो कर्टन यूज़ करते हैं ना, कर्टन सिलेक्शन, उसमें क्या होता है, अपना जैसे नॉर्मल कर्टन जैसे अपन लेते हैं, जैसे 20 काउंट में समझ लीजिए J34 लेते हैं, तो उसमें 20 काउंट मिलांज का बनाएंगे तो H4 लेना पड़ेगा. मतलब एक स्टेप पे ज़्यादा लेना पड़ता है. मतलब जैसे 10 काउंट का फाइनल काउंट बनाते हैं ना, 20 से 30 काउंट बनाएंगे तो उसी हिसाब से एक स्टेप 30 काउंट का धागा मिलांज बनाएंगे, 40 काउंट का कटन लेंगे, 40 काउंट का बनाएंगे तो 50 काउंट का लेंगे. तो ये आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया मैंने 20 और 20 से 24 काउंट. ये दो काउंट में समझ लीजिए नॉर्मल यान हम बनाते हैं तो J34 लेते हैं, तो मिलांज बनाएंगे तो उसमें H4 लेंगे, थोड़ा उसे सुपरियर क्वालिटी का लेना पड़ता है. ऐसे ही 30 से 36 काउंट H4 का अपन नॉर्मल में लेते हैं, इस पर संकर 6 लेते हैं. 36 से 40 काउंट जो है समझ लीजिए नॉर्मल में संकर 6 है और मिलान बनाएंगे तो MCU5 लेंगे. 40 काउंट से 50 काउंट समझ लीजिए हम MCU5 लिए, तो उसकी अपन मिलान बनाएंगे तो MCU5 में और थोड़ा अच्छा कटर DCA32 डालेंगे. तो 60 काउंट एंड अभव है, 60 से ज़्यादा फाइन काउंट, 70 काउंट, 80 काउंट तक है, तो इसमें MCU5 और DCA32 लेते हैं ना, वो नहीं लेंगे, पूरा पूरा DCA32 लेंगे. तो इसमें अपना क्या होता है, जो डाई होने के बाद जो स्ट्रेंथ लॉस होता है कटन का, वो स्ट्रेंथ लॉस होके अपना बराबर आ जाएगा स्ट्रेंथ उसका काउंट के हिसाब से. तो कटन जो सिलेक्शन करेंगे हम, देखिए ओनली इंडियन और पाकिस्तान ऐसे एरिया से कटन लेंगे, क्योंकि बाकी जो एरिया से कटन जो होता है ना, जैसे सूडान है, इजिप्ट है, और अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये जो इम्पोर्टेड कटन है इसको हम यूज नहीं कर सकते. उसका कारण ये है इसका अपना जो वाइटनेस होता है ना, B+ वैल्यू बहुत ही कम होता है, जैसे 6, 6.5, 7, 7.5 तक जाएगा. अपना इंडियन कटन का 8.5 से 9.5, 10, 11 तक जाता है, थोड़ा पीलापन रहता है, ये सफ़ेद रहता है. इसको ना हम मर्ज करके ले सकते या अलग से नहीं ले सकते, क्योंकि अलग से लेंगे बिल्कुल अलग आ जाएगा, शेड अलग आ जाएगा, और मर्ज करेंगे तो शेड वेरिएशन आएगा. तो इसीलिए कटन सिलेक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, और इस तरह से कटन लेंगे तो अपना ठीक रहेगा. जैसे कि मिलाज का प्रोसेस देख रहे थे, अभी वो कटन सिलेक्शन का ख़त्म हो गया. अभी देखिए, पहले आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 स्पिंडल का अपन प्लांट लगाया मिलांज का, तो उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी अपन लिए 16 से 18 टन तक पर डे. ठीक है, 30,000 स्पिंडल में, तो उसमें जब अपन मशीनरी सिलेक्ट करेंगे उसमें दो प्रोसेस रहता है. एक ग्रे पार्ट बनता है जो स्लाइबर बनता है कार्डर और कोम्ड का, और ग्रे पार्ट बनने के बाद अपन डाई हाउस भेजते हैं, फिर डाई होके फिर मिक्सिंग के लिए आता है. तो ग्रे पार्ट अपना अलग से लेनी पड़ेगी, जैसे 16 से 18 टन चाहिए तो 20 टन कम से कम प्रोडक्शन होगा, उसी हिसाब से अपन को ग्रे कार्ड रखना पड़ता है. मैं एग्जांपल दिया आपको, ग्रे लाइन जो होता है अपन 22 कार्ड लिए, दो लाइन का 11-11 कार्ड का दो लाइन ले लिए, और यूनिलैप ले लिए अपन 4, और कुंबल ले लिए 18. तो ये जो यूनिलैप कुंबल लिया तो अपना ये हमेशा इतना मशीन नहीं चलेगा, जैसे कोम्ड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कोम्ड मटेरियल का तो पूरी कुंबल चल जाएगा, नहीं तो कार्डर का जरूरत होगा तो कुंबल का प्रोसेस थोड़ा कम कर सकते हैं.
लेकिन मैक्सिमम लेके चलो ये अगर लेते हम तो 60% कोम्ड अपन चला सकते हैं, 40% कैडेट का माल चल सकता है। और एक लिया हुआ मैंने स्लाइवर कटर, जैसे कोम्बर का स्लाइवर आता है ना, इसको अपन बोरा में काट के डालते हैं, या कार्डेड का स्लाइवर है बोरा में कटर में काट के भर के इसको फिर कैटेगरी वाइज अपन बोरा भर के डाई हाउस भेजते डाई के लिए। तो कटर से तोड़ने से क्या होता है, मैन पावर नहीं लगानी पड़ती, इसीलिए कटर लगाते हैं। और वो डायल लाइन जो होता है, डायल लाइन होता है, तो इसमें ब्लोरूम कार्डिंग अलग रहता है लाइन। और वो देख लीजिए, जैसे अपन 6 ब्लेंडर लगाए तो 6 ब्लेंडर में पूरा नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई मिक्सिंग में अपन डबल प्रोसेस देना पड़ता है, डबल पैसे देना पड़ता है। तो 6 दुने कम से कम 12 ब्लेंडर चाहिए। एक बार टपलिंग होगा, फिर दूसरी बार टपलिंग होगा, तो दो दो ब्लेंडर होने से जल्दी मिक्सिंग तैयार होता है। फिर ब्लोरूम और डायड कार्ड, ये डायड लाइन जो होता है अपन ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें पाइपलाइन चोकिंग का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो इसलिए 6 कार्ड के हिसाब से 6 लाइन लगा देंगे, 36 कार्ड हो जाएगा। तो ये अपना 30,000 स्पिंडल के हिसाब से मैंने बैलेंस किया हुआ। और वो ब्रेकर ड्रॉप है, अपन समझ लीजिए ड्यो 6 लिए तो 7 लिए, और RSP ले लिए 14, और सिम्प्लेक्स ले लिए 12 सिम्प्लेक्स, 144 स्पिंडल का हर एक सिम्प्लेक्स का। तो यहाँ तक अपना मिलान के हिसाब से मशीनरी ज़्यादा जो चाहिए ले लिए। अभी जो आता है रिम फ्रेम, रिम फ्रेम जैसे 16 से 18 टन निकालनी है, जितना स्पिंडल चाहिए अपन उतना ही लेंगे 30,000 स्पिंडल का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान रखना, कार्डिंग अपन को 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा नॉर्मल प्रोसेस से। यह अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा तो कभी मटेरियल फील्ड नहीं हो पाएगा। अब आइए मिक्सिंग के बारे में पता करते हैं, मिलान का मिक्सिंग कैसे लगनी चाहिए। तो समझ लीजिए अपन 30,000 स्पिंडल का कैपेसिटी का लगा रहे हैं, 16 से 18 टन का प्रोडक्शन लेनी है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए 3 टन का मिक्सिंग लगाएंगे अपन, मिक्सिंग साइज पार्टी का हिसाब से मिलता है, 3 टन, 10 टन, 20 टन तक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 टन, 4 टन, 5 टन वो बढ़िया रहता है, ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो सेट वेरिएशन वगैरह आ सकता है। तो 3 टन का मिक्सिंग का एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, जैसे 100 kg का एक लेयर लगेगा, 100 kg का एक लेयर लगेगा हर एक लेयर। और सबसे पहले मिक्सिंग रजिस्टर में 1, 2, 3, 4 करके 30 तक कलम बना दीजिए। एक लेयर ख़त्म हुआ तो इसको टिक लगाना, ऐसे करके 2 हो गया उधर लगाना। तो 100 किलो का जो लेंगे, इसमें ऑल कंपोनेंट टू मिक्स परसेंटेज वाइज, जैसे डाई हाउस से अपना मेमो आता है, कौन सा कलर का फाइबर कितना परसेंटेज लेनी है, बराबर वजन करके इसको 100 किलो का मिक्स मिक्स करते हैं ब्लेंडर में। फिर इसको ब्लेंडर में 100 किलो का चला के लेयरिंग रूम में डालते हैं। और लेयरिंग रूम जो होता है उसमें पूरा कमरे में 100 किलो फैलानी चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्मली फैले, तो बराबर कलर मैच होगा। अगर हापा जाट रखें, कहीं ऊंचा रख दे, कहीं डाले नहीं, ऐसे नहीं रखना। तो इसको एक एक लेयर डालते रहना, 1, 2, 3 ऐसे करके डालते रहना। तो हर लेयर के ऊपर अपन एंटी स्टैटिक एजेंट स्प्रे करेंगे। समझ लीजिए एंटी स्टैटिक एजेंट अपन लिए LB40, LB40 अपन लिए 0.3%, और 51P लिए 0.1%, और वाटर लिए 3 से 5% आज पर नीड, 3 से 5%। तो जैसे ज़्यादा लाइट शेड है कम पानी में चल जाएगा, नहीं तो डार्क शेड होगा ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन हर लेयर में स्प्रे करेंगे, ताकि बराबर स्प्रे जाए, और जेट स्प्रे से करेंगे ताकि यूनिफॉर्मली स्प्रे हो। और जैसे अपन देखिए 1, 2, 3 लेयर हो गया, उसके बाद एक वेस्ट का लेयर लिखे,
अगर डाई उस मेमो में लिखा हुआ वेस्ट डालना है 7% 10% जो भी डालना है, तो इसको अपन 3-4 भाग में अलग अलग कर देंगे और हर तीसरा लेयर के बाद अपन थोड़ा वेस्ट डाल देंगे, फिर 6 लेयर पूरा हो गया, 7th लेयर में वेस्ट डाल देंगे, ऐसे कंप्लीट कर करके 30 तक चले जाएंगे तो अपना मिक्सिंग क्वांटिटी पूरा हो जाएगा। और लेयरिंग होने का बाद क्या करेंगे, सारी कटन जो अपना स्लाइबर इशू किए हुए मिक्सिंग के लिए जो डायड पोर्शन है इसको ज़रूर ब्लेंडर में खुलवा दीजिएगा, क्योंकि डायड पोर्शन नहीं खुलेंगे वो सब वो फाइबर क्या होता है डाई होने का बाद बत्ती जैसा बन जाता है, स्टिक हो जाता है ये और खुलता नहीं, अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सके, इसको अपन ब्लेंडर में खुलवा के ही मिक्सिंग तैयार करें। और जैसे लेयरिंग पूरा हो गया तो अपन जब लेयरिंग से फर्स्ट स्टपलिंग करेंगे तो मिक्सिंग ऐसे काटेंगे वर्टिकल कटिंग, ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे तक काटेंगे और इसको लेयरिंग पूरा हो जाएगा, एक बार प्रेस कर देंगे इसको बढ़िया से ताकि कटिंग होने से बढ़िया रहेगा, जैसे केक काटते ऐसे ही वर्टिकल अपन को काटना है, ऐसे काटेंगे तो बराबर मिक्स होके आएगा। उसके बाद आएगा अपन ये फर्स्ट टपलिंग, मतलब ब्लेंडर में फिर चलाएंगे लेयरिंग होने का बाद, फिर ब्लेंडर में चला के फिर एक दूसरा कमरे में डालेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टपलिंग, तो फर्स्ट टपलिंग हो जाएगा, इसको बढ़िया से दबा देंगे हम, प्रेस कर देंगे, प्रेस करने का बाद क्या करेंगे फिर इसको सेकंड टपलिंग देंगे, फिर एक बार काट के लाएंगे ऐसे वर्टिकल काटेंगे, फिर ब्लेंडर में डालेंगे, फिर फाइनल बिल में डाल देंगे, वो हो जाता है सेकंड टपलिंग, ये आपकी मिक्सिंग तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्लो रूम और कार्डिंग में अपन वही वाला मिक्सिंग यूज करेंगे। मिक्सिंग तैयार होने के बाद अपन को हर मिक्सिंग बिन का ऊपर ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगानी पड़ती है, कौन सा डेट में तैयार हुआ और कितना टाइम में मिक्सिंग तैयार हुआ कंप्लीट टाइम, उसके बाद उसका लॉट नंबर क्या है, शेड नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, डोमेस्टिक है एक्सपोर्ट है जो भी है वो लिखना पड़ता है, और क्वांटिटी कितना केजी का मिक्सिंग वो लिखना पड़ता है। तो जैसे कि अपन टाइम डालेंगे तो टाइम डालने का मतलब ये होता है हर मिक्सिंग 12 से 24 घंटा अपन कंडीशनिंग करते हैं, मतलब जो तेल पानी स्प्रे किए हैं वो पूरा अंदर घुसने के लिए, फाइबर टू फाइबर घुसने के लिए 12 से 24 घंटा कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। अगर 24 घंटा हो गया बहुत बढ़िया है, और उससे कम होगा तो चलेगा लेकिन वर्किंग में दिक्कत आएगा, तो कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ध्यान रखिए, अगर ठंडी का मौसम में अपन ठंडी का मौसम में मिक्सिंग लगाते हैं तो LB40 और 51P वो हमेशा गर्म पानी में अपन को इसको यूज करना पड़ता है, ताकि वो जो केमिकल होता है बराबर मिक्सअप होगा। अगर ठंडा पानी में करेंगे ठंडी का मौसम में वो बिल्कुल मर्ज नहीं होगा, फिर अनइवन रहेगा स्प्रे करने के टाइम में, तो भी वर्किंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके बाद देखिए अपन मिक्सिंग तैयार हो गया, कंडीशनिंग हो गया, उसके बाद कि ब्लो रूम बिटर स्पीड, बिटर स्पीड जो होता है ब्लो रूम का, सबसे पहला वाला बिटर होता है 700 से 800 RPM तक लेना है, उसके बाद में सेकंड बिटर जो होता है वो होता है 700 RPM तक रखना इसको, और यूनमिक्स का अंदर जो बिटर रहता है वो 600 से 650 RPM रखना है। तो बिटर स्पीड क्यों कम रखा जाता है, क्योंकि अपना जो मिलांज का मिक्सिंग है सब स्लाइवर का मिक्सिंग है, और उसका स्लाइवर के कारण अपन पहले से प्रोसेस किया हुआ तो ज़्यादा बीटिंग ज़रूरत नहीं है, और उसमें कोई कचरा भी नहीं रहता, लिंट नहीं रहता, लीफ नहीं रहता या कुछ भी नहीं रहता, फॉरेन मटेरियल नहीं रहता, इसलिए अपन स्पीड कम रखते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो उसमें खाली नेब्स फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए अपन ज़्यादा स्पीड कभी रिकमेंड नहीं करते। और ये देखिए समझ लीजिए 1000 kg का नीचे मिक्सिंग है, तो 1000 kg का नीचे मिक्सिंग है इसको तो डबल टपलिंग करना मस्ट, डबल टपलिंग नहीं करेंगे सेड वेरिएशन आएगा, और इसको यूनिमिक्स का थ्रू डालना ज़रूरी नहीं है, वो यूनिमिक्स बाईपास करके चला सकते हैं। और 1000 kg का ऊपर रहेगा तो एवब रहेगा,
तो इसको यूनिमिक्स का अंदर जरूर डाल के भेजना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। अगर यूनिमिक्स का अंदर भेजेंगे तो शेड वेरिएशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, शेड वेरिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मिलान यान के लिए, इसको ध्यान रखें। जैसे कि अपन देखे थे अभी 30,000 स्पिंडल का 16 से 18 टन के लिए अपन कार्डिंग में जो लेते हैं मटेरियल, जैसे अपन कैटेगरी कौन सा मिलान यार्न में कौन सा कैटेगरी का अपन मिक्सिंग लगाते हैं पहले देखिए। इसमें चार कैटेगरी का मिक्सिंग होता है। सबसे पहला कैटेगरी होता है 100% कार्डेड स्लाइबर। इसमें कार्डेड स्लाइबर 100% जाता है, उसमें कोम्ड का कुछ नहीं रहता, 100% जाता है। दूसरा चीज रहा सेमी कोम्ड। सेमी कोम्ड क्या होता है, 80% कार्डेड और 20% कोम्ड स्लाइबर मिला के जाता है। तो पार्टी का रिक्वायरमेंट होता है, कार्डेड चाहिए, सेमी कोम्ड चाहिए, या कोम्ड चाहिए, या सुपर कोम्ड है। और जो कोम्ड बोलते हैं अपन, 80% कोम्बर का स्लाइबर रहता है, 20% कार्डेड रहता है। तो ये कोम्ड स्लाइबर के नाम पे जाता है, कोम्ब प्रोसेस का। और सुपर कोम्ब जो होता है 100% कोम्ब स्लाइबर, जनरली हम इसको एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं और इसमें कोई वेस्ट वगैरह भी नहीं मिलाते। ये जो तीन कैटेगरी आपने देखा, पहला तीन कैटेगरी, इसमें स्लाइबर वेस्ट वगैरह अपन रनिंग वेस्ट जो है डालते हैं, RMG से ला कर डालते हैं, तो 6 से 7% तक वेस्ट डल सकता है। और सुपर कोम्ब में बिल्कुल वेस्ट नहीं डलता, उसमें कम से कम हम लोग 20 से 22% कोम्बर का नायल निकालते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है, एक्सपोर्ट के लिए बनता है। और जैसे डेप्थ वाइज देखोगे, अब कार्डिंग में अपन एक जैसा स्पीड नहीं रखते। हम जो पिछला बार बताए थे, इधर अपना नंबर ऑफ कार्ड है 2.5 गुना ज़्यादा रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्यों, समझ लीजिए पूरा डार्क शेड आ गया तो कार्डिंग RPM बिल्कुल कम हो जाता है उसमें, तो मटेरियल फीड के लिए दिक्कत जाता है, कभी डार्क आ जाएगा, कभी लाइट शेड आ जाएगा। तो मैंने जो शेड वाइज डेप्थ वाइज अपन कैटेगरी बढ़ा, जैसे 100% डायट, उसमें ग्रे पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो कार्डिंग में जो स्पीड होता है, जैसे कार्डेड स्पीड कार्डेड में 75 RPM हो गया 100% डायट में। अगर कोम्ड चलाते हुए 100% डायट, थोड़ा और कम हो जाएगा 70 RPM है, क्योंकि अपन अगर इसका स्पीड बढ़ा के चलाएंगे तो अपना नेप्स परमिशन बढ़ जाएगा। तो अपन नेप्स को नज़र रखते हुए अपन स्पीड नहीं बढ़ा सकते। 75% डायड है, मतलब 25% ग्रे है, थोड़ा और स्पीड बढ़ गया, 85 हो गया, कोम्बर में 75% हो गया। ऐसे 50% डायड में 90 MPM हो गया, मीटर पर मिनट हो गया, और इसमें 80 MPM हो गया। ये डफर RPM MPM में बताया हुआ आपको। और वो 30% डायड, 30% एबव जो रहता है, 100 MPM हो गया कार्डिंग का स्पीड कार्डेड में, 90 MPM हो गया कोम्बर वाला कैटेगरी में। तो ये जो आपने चार वैरायटी देखा, इसको अपन डार्क शेड के नाम पे बोलते हैं। और ये खाली डायड नहीं, इसमें ब्लीच वाला मटेरियल भी इसमें अपन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ब्लीच वाला डाले, कलर नहीं है लेकिन सफ़ेद है, ब्लीच वाला है, ये स्काउरिंग वाला है, वो भी डायड कैटेगरी में जाता है। और ये जो डार्क शेड होता है, अपन रिम फ्रेम में टारगेट स्पीड इसमें कम रहता है, इसीलिए हम कैटेगरी वाइज ये चार कैटेगरी के डार्क शेड में गिनती करते हैं। और 30% से नीचे जो रहता है, इसको लाइट शेड होता है, उसमें अपन 120 MPM कार्डिंग में कार्डेड में रखें, 110 MPM कोम्ड रखें। इसका रिम फ्रेम का टारगेट वगैरह उसी हिसाब से 10% 5% एक्स्ट्रा रहता है डार्क शेड से। तो ये कैटेगरी वाइज डेप्थ वाइज अपन अगर कार्डिंग का स्पीड रखेंगे तो इसमें अपना कभी भी अपना नेप्स वगैरह बढ़ेगा नहीं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कार्डिंग का, जो अपन प्रोसेस करेंगे कार्डिंग में, तो उसमें जो सिलेंडर स्पीड है और वो फ्लैट स्पीड है, लिक्रिन स्पीड है, ये सब थोड़ा अलग से रखना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपन मिलन प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं, तो अभी उसी प्रोसेस का 30,000 स्पिंडल का अपन कार्डिंग का स्पीड जो है स्टैंडर्ड स्पीड है वो देखिए। सिलेंडर स्पीड अपन 360 से 450 RPM तक लेना है,
और एक चीज़ ध्यान रखिए, मिलांज की प्रोसेस में पेपर ट्रे में हर जगह स्पीड कम रखना पड़ता है, क्योंकि ये स्लाइवर से अपन मटेरियल बनाते हैं, और लिक्विन स्पीड 750 से 900 आरपीएम रखना है, और फ्लैट स्पीड होता है 250 से 280 एमएम पर मिनट रखना है। और वो ड्रॉप एम में जाएंगे, ब्रेकर में देखिए, कैडेट में 300 एमपीएम, ब्रेकर में कोण में 250 एमपीएम, उसी को अगर फिनिशर करने जाएंगे कैडेट में 350 से 450 एमपीएम और कोण में 250 से 300 एमपीएम। ये स्पीड का रेंज इसीलिए मैंने अलग दिया हुआ 350 से 450। इसका मतलब ये होता है 450 जो चलेगा लाइट साइड में चलेगा, 350 जो चलेगा बिल्कुल डार्क साइड में चलेगा, मीडियम साइड आ जाएगा तो 400 रखना। तो उसी हिसाब से मैंने स्पीड कैटेगरी दिया हुआ, उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं डेप्थ के हिसाब से। जैसे कि अपन कार्डिंग में अभी देख रहे हैं, कार्डिंग ड्राइंग सिंपलेस में, उसमें अपन क्या रखेंगे स्टैंडर्ड रैपिंग, ताकि अपन प्रोसेस में सुविधा रहेगा, और वो स्टैंडर्ड रैपिंग अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो प्रोसेस में वर्किंग प्रॉब्लम जाएगा, नेप्स बढ़ेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रैपिंग हर काउंट के लिए अपन अलग अलग रखें, अपन कैटेगरी वाइज कर दिए। देखो 20 से 30 काउंट जो होता है, तो कार्डिंग में 120 रखें और ब्रेकर में 120, फिनिशर में 130.130 और सिंपलेस में 0.82 रखें। तो अपन ये स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा, अपन 20 से 30 काउंट बनाएंगे, मतलब यही रखेंगे, इसको बार बार छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 30 से 36 काउंट है कार्डिंग में 0.130, ब्रेकर में 0.130, फिनिशर में 0.140 और सिंपलेस में 1.2। उसी हिसाब से अपन 40 से 50 काउंट में 0.140 कार्डिंग में रैपिंगे, ब्रेकर में 0.140, फिनिशर में 0.150 और सिंपलेस में 1.4। ऐसे ही 50 काउंट में 0.150 कार्डिंग का रैपिंग रहेगा, ब्रेकर का भी 0.150 और फिनिशर का 0.160 और सिंपलेस का 1.5। ऐसे 60 काउंट एंड अबव है जो कार्डिंग में 0.170 रखेंगे, ब्रेकर में 0.170, फिनिशर में 0.180 और सिंपलेस में 1.7। और रैपिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, अपन को ये फायदा रहेगा, तो अपना जैसे क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, नहीं तो आईपीआई बढ़ जाएगा, नेप्स बढ़ जाएगा, सब प्रकार की दिक्कत आएगा। इसलिए अपन स्टैंडर्ड रैपिंग हर काउंट के लिए अपन फिक्स करके रखें। जैसे कि अपन बात किए थे, अपन कटन जो सिलेक्ट किए थे काउंट के हिसाब से सिलेक्ट किए थे, उसका लेंथ वगैरह उसी हिसाब से, फाइन काउंट में लंबी लेंथ रहता है और कोर्स काउंट में थोड़ा कम लेंथ वाला फाइबर रहता है, तो उसी हिसाब से अपन ड्रॉप हेम का भी स्टैंडर्ड गेज बना के रखें। जैसे 20 से 30 काउंट तक है तो ब्रेकर में अपन 40-42 रखें, तो फिनिशर में उतना ही रखें, कोई इस पर फर्क नहीं रखे, और कोल्ड प्रोसेस में थोड़ा 1 mm बढ़ा के रखे, 41-43 ब्रेकर फिनिशर दोनों में। और उसके बाद जैसे 30 से 40 काउंट है, अपन कटन थोड़ा रीच हो जाता है तो 42-44 रखे, ये केज है एमएम में, ये ध्यान रखिए सब एमएम में है। ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट, सब एमएम में है। तो अपना 30 से 40 काउंट में 42-44 ब्रेकर, फिनिशर भी 42-44 और कोम्ब्ड केस में 42-46 है और इसमें भी 42-46 है। कोम्ब्ड केस में क्या होता है, अपना जो बैक जोन का जो गेज है थोड़ा वाइड कर देते हैं, ताकि इसमें अनड्राफ्टेड वगैरह नहीं आए और स्मूथली मटेरियल निकले। उसके बाद में आया अपने 40 से 60 काउंट,
उस पर क्या जनरली अपन 40 से 60 काउंट जो है MCU 5 कटन, DCA 32 कटन देते हैं, तो थोड़ा लेग ज़्यादा रहता है, इसलिए अपन उसका गेज रखे 43-45 ब्रेकर में रखे, फिनिशर में भी 43-45 रखे कार्डेड में, और कोम्ब में 44-46 रखे, कोम्ब में थोड़ा बढ़ा कर रखे 1 mm। और उसके बाद पीसी ब्लेड होता है, आप ध्यान रखें कटन के साथ अपन कभी मिलान बनाते हैं, पीसी ब्लेड बनाते हैं, तो उसमें अपन 38 mm या 32 mm का फाइबर डालते हैं, पॉलिस्टर का PSF जो डालते हैं, पॉलिस्टर फाइबर 38 मैक्सिमम, नहीं तो 32 mm डालते हैं। तो 38 mm के हिसाब से कटन मर्ज करते हैं, कितना परसेंट मर्ज करना मिक्सिंग के ऊपर है, उसका गेज अपन रखे 41-45 रखे कार्डर में, 41-45 रखे ब्रेकर फिनिशर में, और फिनिशर में 42-46 रखे। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, ब्रेकर ड्रॉप में अपन गेज तो बात कर ली है, और ये ब्रेक ड्रॉप है, ब्रेक ड्रॉप जो होता है अपन ब्रेकर ड्रॉप में 1.51 रखते हैं, चाहे कोम्बर है कार्डर है, और जनरली अपन जैसे ग्रे कटन चलाते हैं 1.71 चलाते हैं, लेकिन इस केस में अपन 1.51 रखते हैं, इसीलिए रखते हैं, ये अपना जो मिक्सिंग है स्लाइवर में बना हुआ ऑलरेडी ओपन रहता है, इसीलिए अपन ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट नहीं देते, 1.51 देते हैं, और कार्डेड के केस में अपन 1.28 दे देंगे ब्रेक ड्राफ्ट कार्डेड में, फिनिशर में, और कोम में 1.16, कभी कभी सुपर कोम का भी होता है तो 1.16 से भी कम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रोसेस में 1.05 या 0.8 ऐसे देते हैं, वो ब्रेक ड्राफ्ट का पुली मिलता नहीं, अपन गियर बना के डालना पड़ता है, तो 1.16 ही ठीक है, अगर काम करना है सुपर कॉम्ब में तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिलान प्रोसेस के बारे में हम समझ रहे थे, अभी देखिए एक बार इसमें अपन काउंट का जो ग्रुप बनाए थे 3-4 ग्रुप का, उसमें सिंपलेस रोबिंग और कार्डेड में कॉम्ब में क्या TM रहेगा और एवरेज स्पीड क्या रहेगा स्पिंडल का, तो उसी हिसाब से मैंने चार्ट बना कर दिखा रहा हूँ, आप देखिए एक बार। ये जैसे 20 से 30 काउंट है, 20 से 30 काउंट जो है पहला ग्रुप है, 0.82 रैपिंग रखे सिंपलेस का, 0.82 सिंपलेस का रखे, TM है 1.35 कार्डेड का, कॉम्ब का 1.33, और 800 RPM रखे एवरेज स्पिंडल स्पीड, ठीक है। फिर जैसे 30 से 40 काउंट है, इसमें 1.2 रखे अपन सिंपलेस रैपिंग, और TM 1.38 से कार्डेड का, 1.32 है कोम्ब का, ठीक है। उसके बाद 850 RPM हो गया स्पिंडल स्पीड एवरेज। फिर 40 से 50 काउंट जो है, 1.5 अपन सिंपलेस रैपिंग रखे, TM 1.40 रखे कार्डेड में, कोम्ब में 1.35 रखे, और वो एवरेज स्पिंडल स्पीड 900 RPM रखे। ऐसे 60 काउंट में 1.7 अपन रैपिंग रखे, TM 1.35 है और कार्डेड में कोम्ब 1.3, और इसमें 950 RPM है स्पिंडल स्पीड। अच्छा, ये TM इसीलिए कम रखना पड़ा 60 काउंट में, इसमें अपन DCA 32 का फाइबर लिए हुए, कटन लिए हुए, जिसका लेंथ 33-36 तक रहेगा, 37 तक भी रहेगा, इसीलिए अपन वो फाइननेस भी कम है, माइक्रोनर वैल्यू भी कम रहता है, इसीलिए अपन TM कम लिया हुआ। और लास्ट वाला रहा ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट सिंपलेस में कार्डेड में देखिए 1.11 से 1.18 रखा जाएगा, और कोम्ब्ड में 1.06 से 1.09 तक रखा जाएगा, वो पीसी ब्लेंड में थोड़ा ब्रेक ड्राफ्ट बढ़ा कर रखना पड़ता है सिंपलेस में, 1.15 से 1.20। जैसे कि अपन रिम फ्रेम में देखे काउंट का हिसाब से, ये हो गया अपना FRS, फ्रंट रोलर डिलीवरी स्पीड जो होता है, ये स्टैंडर्ड बना हुआ, जैसे 20 काउंट में अपन लिए हुए 300 RPM स्टैंडर्ड, 24 काउंट में 295 लिए हुए, 30 काउंट में 284 लिए हुए, और 40 काउंट में 270, 50 में 260, और 60 काउंट में 240, ये FRS स्टैंडर्ड लिया हुआ,
उसी हिसाब से अपन चलाएंगे। उसके बाद जो टीएम होता है, टीएम देखिए अपन कार्डर में 3.85 से लेके 4 तक है, कैटेगरी वाइज लिखा हुआ। 20 काउंट में 3.85 है और 30 में 24 काउंट में 3.9 है, 30 काउंट में 3.95 है, 40 में भी 3.95 चल जाएगा और वो 50 काउंट 3.9 लिया हुआ और 60 काउंट 4 लिया हुआ। ये इसको उसी हिसाब से हम इसीलिए बढ़ा के नहीं लिए कि इसमें फाइबर पूरा रिच कटन आ जाएगा, MCU5 DCA 32, उसमें ज़्यादा TM की ज़रूरत नहीं। ये हो गया कार्डेड कैटेगरी का। कॉम्ब कैटेगरी में 3.75 20 काउंट में, 3.8 24 काउंट में, फिर 3.7 30 काउंट आ गया, हाँ फिर 3.6 से 3.7 आ गया, ये 40 काउंट में आ गया। ये TM का कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसे पार्टी का डिमांड रहता है, कभी कभी 3.5 TM सॉफ्ट यान का ज़रूरत पड़ता है तो 3.5 का भी TM देना पड़ता है। तो वो तो TM तो पार्टी का जो मांगता है वो देनी पड़ती, और उससे कम ज़्यादा हम अपने मन से नहीं करते, ठीक है। एक चीज़ अपन मिलान का प्रोसेस के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं, उसमें मेजर जो प्रॉब्लम आता है मिलान के प्रोसेस में, तो उसमें अपन मार्केट में धागा बेचते हैं तो उसमें जो मेन कंप्लेन आता है ना, सबसे पहले तो आता है देखो सेड वेरिएशन आता है, जैसे मतलब धागे में अलग डेप्थ का डाई हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है कुछ, मतलब सेड अलग अलग का तरह का आता है, अच्छा से मिक्सअप नहीं होता तो सेड वेरिएशन आता है। नेप्स भी मिलान यान में बड़ा इम्पोर्टेंट है, नेप से छोटा छोटा होगा चलेगा, लेकिन बड़ा नेप से अगर रह गया तो कपड़ा पास नहीं होता। और कंटामिनेशन होता है क्या, अलग अलग सेड का मटेरियल फ्लाई होके एटमॉस्फेयर की फ्लाई होके फाइबर में लग जो धागे में लग जाता है तो अलग कलर का होता है कंटामिनेशन, वो भी पास नहीं होता कपड़ा। काउंट सी भी अगर हाई होता है, कपड़ा जब बनता है उसमें अच्छा नहीं दिखता और मोटा पतला दिखता है और नेटिंग में ब्रेकेज होता है। स्पायरलिटी ये होता है, जैसे निटिंग में अपन टी शर्ट पहनते हैं एक साइड से कभी कभी मुड़ जाता है, ऐसे तिरछा हो जाता है, वो स्पायरलिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। उसके बाद रंग गेटिंग मतलब एक कलर का धागा चल रहा है, अपन दूसरा कलर का माल में तार लगा दिए, गेटिंग लगा दिए, तो वो कपड़ा जब बनता है एक लाइन जैसा ऐसे आ जाएगा कपड़े में, ज़्यादा नहीं रहता है, 1 मीटर 1.5 मीटर रहता है, लेकिन लाइन जैसा कपड़े में आ जाता है, वो भी रंग गेटिंग भी बहुत बड़ा बीमारी है। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखा, इसके बारे में अपन एक एक सब्जेक्ट फिर बाद में लेंगे, सेड वेरिएशन, नेप्स, कंटामिनेशन, इसको सब कैसे अवॉइड किया जाएगा, क्या स्टेप लिया जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल बाद में इसको समझाएंगे। आज का वीडियो इसी में ख़त्म करता हूँ, थैंक यू, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है, थैंक यू।